non. किलो गाजरें साफ करके रखी है, ठीक है? ठीक है। ये इसमें 1.5 लीटर वाले दो दूध, तब तक हम कैरेट्स धो लेते हैं। Thank you.
तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम जो है गाजर को जो है ग्रेट कर रहे हैं, यानी के कद्दूकस कर रहे हैं। यस, इस तरह से ये देखें, ये सारी होती जा रही है और ये इस तरह से, ये देखें, साथ में मैंने खोया बनाने के लिए रखा हुआ है। देखें, ये खोया बन रहा है, घर का खोया बना रहे हैं, होममेड। टेट्रा पैक लिए थे, तकरीबन 3 किलो दूध है, ठीक है, 1.5 लीटर वाला जो ओल्पर होता है वो है। ये देखें, खोया बनता जा रहा है। हटो जान, खोए को ऐसे करेंगे ना कि एक चम्मच ले लेते हैं छोटा, इस तरह से ये जो खोया बनता जा रहा है ये हमें चाहिए, कीमती है, इसको वापस डाल के जाएंगे। ये मैंने तेज किया हुआ था कि जल्दी से बन जाए। ये देखिए, ये ओरिजिनल होममेड जिसका बनेगा अच्छा सा हलवा। ये बड़ी से बड़ी बेकरी से भी हम खोया लाए थे, पिछली दफा 1000-2000 रुपये का लाए थे, पर वो सूखे दूध का बना होता है ना, घर का दूध का क्या ही बात होती है ना, तो इसलिए हम इसे घर पे कुक करते हैं। ये है खोया हमारे पास, ठीक है, खोए को रखते हैं इधर बनने के लिए। तो शाम है, सर्दियों की शामों में हमारे घर में बनती है यखनी, यखनी जरूर बनती है। तो आज हम बना रहे हैं यखनी, यखनी बनाने के लिए चिकन की यखनी बना रहे हैं शाम के टाइम। देखें, दिखाओ 3 किलो दूध कितना सा रह गया, गाढ़ा होता जा रहा है। जब ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा ना, फिर मैं इसे छोड़ दूंगा पकाना, ठीक है। बहुत ज्यादा खोया पतला नहीं करूंगा क्योंकि मैं गाजर के साथ इसे कुक करूंगा, ठीक है। ये भी गाढ़ा हो गया काफी। यखनी बनाने के लिए देखिए, हम प्रेशर कुकर का यूज करेंगे ताकि इंस्टेंट से यखनी भी बन जाए साथ साथ, और तब तक मैं गाजरें ग्रेट कर लूंगा अच्छी से। ये देखें, मैंने प्रेशर कुकर लिया, प्रेशर कुकर में देखो पानी डाला है क्योंकि हमारे पास फ्रोजन चिकन है। ये रहा चिकन, ये रहा, ये पड़ा है। अच्छा, ये रहा, ये देखिए फ्रोजन चिकन है। और ये देखें, ये मेरी प्यारी सिस्टर ने चिकन की यखनी के लिए लहसुन प्याज और अदरक का टुकड़ा रखा है ना जी। ये कितने लहसुन है? लहसुन दो लहसुन और दो प्याज। कौन सी वाली बनानी है, वो तड़के वाली बनानी है कि सादी वाली बनानी? पापा को तड़के वाली पसंद। अच्छा, तड़के वाली। ये क्या है, इसमें 1.5 प्याज और इसमें चली जाएगी 1.5 लहसुन, ठीक है, ये चलेगी। अच्छी सी यखनी बनाते हैं शाम के टाइम, और अदरक का टुकड़ा इसमें जाएगा एक। ये दिखाओ यखनी में एक टमाटर, दिखाओ कितने प्यारे रानी टमाटर आए हैं ना। तो जो यखनी है ना, वो सिस्टर सही कह रही है, हमारे घर में पी जाती है तड़के वाली है ना। यस, इसको थोड़ी देर कवर अप करते हैं, तब तक मैं अदरक कूट लेता हूँ। यखनी सर्दियां हो या गर्मियां हो, जरूर पिया करें। यखनी जो है सेहत के लिए बहुत अच्छी है, ताकत देती है बॉडी को, है ना। तो हमारे घर में चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो, यखनी तो जरूर बनती है, बकरे की यखनी, चिकन की यखनी बनती है, ठीक है। चला जाएगी अदरक, ये की अदरक, और इस पे चले जाएंगे कुछ मसाले। मिसाली
तो यखनी है हल्के मसाले रखेंगे, और ये सालन जैसी होती है पर सालन जैसी नहीं होती, थोड़ी हल्की होती है। ठीक है, बिस्मिल्लाह। पर ही हल्दी पाउडर गया इसमें, यखनी में, यखनी में ये रेड चिली, काली मिर्च भी डालूंगा मैं। ठीक है, ठीक है, ये चलेगी। चला जाएगा सॉल्ट टू टेस्ट, बहुत ज़्यादा गाढ़ी और बहुत ज़्यादा पतली नहीं होगी, उस हिसाब से हम सॉल्ट डाल लेंगे, यखनी बनाएंगे। इसमें जाएगा सफेद जीरा, पिसा हुआ दिखाओ, घर का पिसा हुआ, देखिए घर का पिसा हुआ हमारा जीरा। और इसमें चला जाएगा क्या चीज, गरम मसाला। यस, तो ये यखनी जो है मरीजों वाली नहीं है, ये बड़ी मजे वाली यखनी है ना, सालन टाइप है ना। यस, ये मेरी सिस्टर जो है जरूर बनाती है, चाहे सर्दियों चाहे गर्मियों, ये हमारे घर में जरूर बनती है ये वाली शाम के टाइम। तो यखनी आपकी जरूर की है, यखनी जो है सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ताकत देती है ये। इसमें चली जाएगी ब्लैक पेपर, सही है। अब इसको हम कुक कर लेते हैं, और इसमें जाएगा थोड़ा सा खुश धनिया। खत्म हो गया था, साबुत लेना पड़ेगा। खुश धनिया जो है यखनी में जरूर जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मसल के डाल देंगे। ये होगी हमारी यखनी, और अब इसमें क्या चीज़ जाएगी, कुकिंग ऑयल। तो फ्रेंड्स, ये यखनी जो है इसमें ऑयल भी जाता है, पर बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा, नहीं तो ये गले में लगेगी। ठीक है, थोड़ा सा ऑयल जाएगा सिर्फ भुनाई के लिए। ठीक है, बस दैट्स इट। यखनी है ये, यखनी सालन नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसलिए इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें जाएंगी, और बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार बनेगी। साथ में हमारा खोआ भी तैयार हो रहा है, मतलब कि गाढ़ा सा मिल्क तैयार कर लेंगे। चलो, अब इसको, ये फ्रोजन था ना, ये हमारे पास फ्रोजन था, तो इसको डिफ्रॉस्ट कर लेंगे थोड़ी देर। ठीक है, ये रख देते ऊपर थोड़ी देर, ये पकेगा। पानी इसलिए डाला है क्योंकि इसे मुझे डिफ्रॉस्ट करना है। और ये हमारी मशीन थी, इसको चला के देखते हैं आपके सामने। पहले चलाया था, ये थोड़ी गर्म हो जाती है, फिर ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाती है ना। yes. ऑटोमेटिक है तो ऑफ हो जाती है, ये ऑफ हो गई थी। ये बड़ी अच्छी है, लास्ट टाइम हमने इससे खूब सारा हलवा बनाया था ना, इजी इजी। yes. एक दफा चेक कर लेते हैं, अगर चल गई तो इसी में, बाकी गाजरे भारी भारी। सारी गाजर को मैंने और सिस्टर ने मिलकर ग्रेट कर ली है। yes. और इधर देखिए हमारी यखनी भी, ये देखिए थोड़ी देर कवर अप की हुई है, ताकि ये अच्छे से गोश्त फ्रोजन है ना, गोश्त को हमने भूनना है असल में,
और उधर हमारा खोया भी तैयार हो गया, बन के रेडी हो गया, खोए को उतार लेते हैं। बस अब खोया इससे ज्यादा मैं कुक नहीं करूंगा। ये देखिए ये है होममेड खोया, अगर किसी ने बनाना है तो ये देखिए, इससे थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे ना तो ये खुश्क हो जाता है ग्राइंडर में। अच्छा अच्छा ओहो, खोया तो आधा बारह हो गया। चलो यस, ये अब हम इसको इधर शिफ्ट करते हैं क्योंकि दोनों काम हमारे, ये तो अब भुनने के बाद चला जाएगा और इधर हम मिर्चा चढ़ा लेते हैं, ये वाला बड़े वाला गाजर वाला पतीला जिसमें बनेगा आज हमारा इधर में गाजर का हलवा, खोई वाला। यस, खोई वाला, मलाई वाला। ये देखिए बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं वहां से भी। पांच किलो वाली गाजर है ना भाई? यस, पांच किलो गाजरों का। ये एकदम तभी खाया जाएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा करके ना, चाय टाइम से हलवे का यही होता है, हलवे बना के रख दो सर्दियों में, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। ठीक है यस। ये चला गया, अब देखिए इसमें क्या चीज जाएगी। इसमें जाएगी चीनी, पांच किलो के हिसाब की चीनी। बिस्मिल्लाह रहीम, गाजर के हलवे बनाने की हमने कर दी है शुरू तैयारी। यस, ये गई इसमें चीनी, अगर कम लगी तो वो डाल देंगे बाद में। यस, अब हमने क्या करना है, हमने सफाई भी करनी है भाई। ठीक, ये देखिए मावा कितना अच्छा तैयार हुआ है। होममेड खोया है, इसको मैं सेफ जगह पे रख देता हूँ, गिरे ना, है ना। यस, गर्म है ये जगह बना। देखिए हम इसको इस तरह से कुक करेंगे, ये होता है हलवे का ओरिजिनल। मैं आपको हलवे का तरीका, हलवाई स्टाइल जो है शेयर कर रहा हूँ। बड़े बड़े पकवान सेंटरों में या हलवाई खानों में इस तरह से हलवा बनाया जाता है। देखिए ओरिजिनल रेसिपी एकदम दे रहा हूँ, इसमें कतरा भी पानी का नहीं लगेगा हलवे में। ठीक है यस, बस ये आप कुक करें ना। हमें ये चीनी, चीनी क्या करेगी ना, गाजर के साथ जाके अपना पानी छोड़ेगी। गाजर अभी देखना कितना पानी हो जाएगा गाजर में, ये मिक्स करेंगे अच्छे से, चीनी को हर जगह से मिक्स करेंगे। और नीचे से जो मेरी आंच है ना वो तेज है, तेज रखेंगे तो चीनी पानी छोड़ेगी। ठीक है, चीनी की पानी मतलब गाजर पानी छोड़ देगी। ये बस, अब इसे बहुत चमचे नहीं फेरने, ये चमचे ही फेरते रहे रात दिन। अब हम क्या करेंगे, हम जो है चिकन की यखनी जो बना रहे हैं उसके लिए, देखिए गोश्त खुल गया ज़बरदस्त तरीके से। देखिए चिकन में जो होती है ना कच्ची ही होती है, यखनी बनाए पर भून के इस तरह से थोड़ी सी रोस्ट करके बनाए। ठीक है, इसको भूनेंगे, मसाला और चिकन जो है अच्छे से भून लेंगे। और इधर गाजर का हलवा जो है जबरदस्त तरीके वाला, ये आस्ता आस्ता देखना पानी पानी हो जाएगा इसमें। अगर चीनी हमें कम लगी ना फिर डाल लेंगे और। ठीक है, ठीक है, बल्कि थोड़ी सी चीनी और डालते हैं क्योंकि पकाना है हमने, पकना ही चीनी के साथ है इसमें। थोड़ा हो चुका नहीं है, बस ये भी बैठता जाएगा आस्ते आस्ते। तरह से देखें फ्रेंड्स, मेरी वालदा साहिबा जो है ना ज़्यादा सवाली साहब गाजरे लाते थे, पाँच पाँच किलो
वालदा साहिबा इसी तरह सर्दियों में वालदा साहिबा और सिस्टर मिल के साफ करके हलवा बना के फ्रिज में रख देती थी, और सर्दियों में इसी तरह शाम हुई चाय बनाई सिस्टर ने जल्दी से और साथ हलवा साफ कर दिया गर्म करके। वही बहुत अच्छी चीज़ है। पांच प्याले इतनी बनानी है तो पांच प्याले पानी डालो। Yes. एक्स्ट्रा से ठीक है ना, तो ये 15-20 मिनट में बन के तैयार हो इसको आधा घंटा हमने कुक करना है इसी तरह। ठीक है, दिखाओ पानी छोड़ो, पानी इसमें छोड़ो। चलो मैं इसे कुक करता हूँ, फिर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको आधा घंटा तकरीबन 45 मिनट कुक करना है इसको। ठीक है, थोड़ी देर में कवर अप भी कर देता हूँ थोड़ी थोड़ी देर बाद। ये देखिए बीच में इसका अपना शीरे का पानी है, गाजर अपना पानी छोड़ी जा रही है। ये है ना कि गाजर अपने पानी में ही कुक होगी, चीनी के साथ पानी छोड़ के। ठीक है, पर इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच भी चलाना है। अब ये कुक हो रहा है, साथ में देखिए यखनी मैंने कुक कर ली है, प्रेशर रिलीज कर दिया था हमने, थोड़ा सा इसमें पानी ज्यादा है तो पानी को खुश कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कुक करेंगे गाढ़ा सा करने के लिए। अभी पानी है थोड़ा सा यखनी और कुक हो गया। ये कितनी प्यारी यखनी बनी है, थोड़ा सा इसे गाढ़ा करेंगे, बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं किया जाता, यखनी होती है पीने के लिए। ठीक है, ठीक है, सालन तो नहीं हम बना रहे, यखनी बना रहे। साथ में ये कुक हो रहा है, देखो गल भी गया ये अच्छे से, है ना। अब इसमें घी डालना है और इधर हम यखनी सर्व करते हैं आप सबको। यखनी ना ज्यादा गाढ़ी है ना बहुत ज्यादा पतली है। yes. पहले बोटियां डाल लेते हैं ताकि ज्यादा हो जाए, यखनी डाल लेते हैं। वो दो बड़ी है। अच्छा, किस
इन दो में तीन तीन हो, वो दो बड़ी हैं। इसमें तो चार हो गए। यखनी डाल देते, एक छोटा क्रिक्स है। अब सब पिएंगे इंशाल्लाह। यखनी सर्दियों की शाम में हमारे घर में बनती है। यखनी 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 दे ताकत, ताकत यखनी दे खांसी नजला जुकाम से निजात, और यखनी दे ताकत। यस यस, ए दे यखनी। चलो अब सिस्टर जो है मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर, प्यारी खूबसूरत माशाल्लाह, जो है यखनी सर्व कर देंगी सबको गर्मा गर्म, और मैं हलवा और चाय बनाता हूँ। अब हलवा भी हमारा डन होने लगा है, बस उसमें घी डालना है और साथ में चाय का पानी रखना है ना। यस यस, भर दूँ ये? बस ठीक है। तो देखिए पानी पूरी तरह हलवे में खुश्क हो गया, इसको तकरीबन हमने आधा घंटा 35 मिनट पकाया है। अब इसमें ये क्लैरिफाइड जो है बटर है, यानी के बटर से हमने मक्खन बनाया हुआ है, ठीक yes. है, ये डालेंगे इसमें। ये समझ लें देसी घी हम डाल रहे हैं इसमें, ठीक है। ठीक हलवा है तो थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, इतना डालेंगे शुरू में, फिर चेक कर लेंगे बाद में, ठीक है। अब इसको घी के साथ हमने भून लिया, ऐसे इस टाइम पे इसमें घी पिघला हुआ डालना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब भूनने का प्रोसेस शुरू हो गया, ठीक है। तो दूसरी तरफ देखें चाय का पानी रख लिया, ताकि जैसे ही हलवा बनेगा साथ में चाय के सर्व कर देंगे, ठीक है। हलवा बिल्कुल आखिरी स्टेज में, उधर हमारा खोया बना पड़ा हुआ है, इधर हमारा हलवा भी रेडी हो गया। अगर मुझे घी और चाहिए होगा मैं थोड़ा सा और डाल लूंगा, घी यहाँ रखा। और ये है सब्ज इलायची, सब्ज इलायची जो है हलवे के लिए भी चाहिए और चाय के लिए भी चाहिए, ठीक है। तो हम पीस लेते हैं, चाय भी चली जाएगी, बहुत ज़्यादा है, थोड़ी बहुत, हाँ चार बाउंड डालो बस। सिस्टर जो है सबको यखनी सर्व कर रही है, ठीक है। यस सबको। अब सिस्टर जो है क्या करेंगी, हलवा और चाय दूंगा सबको इंशाल्लाह, ठीक है। चाय जो है सर्व करेंगे, फिर हम देखेंगे की तरफ इंशाल्लाह तआला बढ़ेंगे। ये अब घी के साथ मैंने भून लिया, ठीक है। अब जो है गाजर को भूनना है, ठीक है। बेसिकली आप गाजर को भून रहे हैं, और इधर मैंने रखा हुआ है खोया, भून के इसमें डाल दूंगा, ठीक है। डाल के थोड़ा सा पकाऊंगा इसे, फिर डाल हो जाएगा। ये देखिए खोया होममेड है, हाँ होममेड खोया, देखिए कितना प्यारा बना हुआ है। ये तकरीबन हमने जो 1.5 किलो वाले दो पैकेट होते हैं उल्पर के, वो डाले हुए, ठीक है। अब मैं उस तरफ कावा कार्ड है हमारा, इस तरफ जो है मैं हलवा भून रहा हूँ, फिर मिलते हैं आपको।
और साथ साथ दिखाओ यखनी सारे पी रहे हैं, देखे यस गरम गरम तो आधी पी भी है इस ब्लैक वाटर में, देखे कैसी मजेदार है बिस्मिल्लाह। देखिए फ्रेंड इधर हमने हलवे को अच्छे से देसी घी के साथ भून लिया है। yes. अब क्या करेंगे, अब हमने करना क्या है, ये जो है खोया ये इसमें डाल देंगे, पका लेंगे। चलो नीचे लगेगा तो इसे चमचा चलाते रहना, ठीक है, हलवे का यही होता है चमचा चलाते रहे साथ साथ। यही मज़ेदार होगा बन के, माशाल्लाह तैयार हो रहा है। यस ठीक है, और इसके अलावा हम क्या करेंगे कि हम हवा कट के दो डाल लेंगे, दो डाल लेंगे। इसको हलाना है हमने, क्योंकि ना खोया डाल के ये नीचे लगेगा, ठीक है। yes. ये देखो अभी ये दाने दाने बन जाएगा, मावा जो है खोया जो है दाने दाने बन जाएगा, और हलवा ऐसा ज़बरदस्त इंशाल्लाह बनेगा, बहुत ही टेस्टी। ठीक है, इधर चाय पका रहे हैं, उधर हलवा, उधर चाय पका रहे हैं, इधर हलवा बन रहा है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद इसकी बुनाई करने।
तो देखिए फ्रेंड्स, हलवा बन के रेडी है, दिखाओ कितना अच्छा बना है, कितना प्यारा हमारा हलवा बना है, दिखाओ। ये देखो दानेदार हलवा रेडी हो गया, ठीक है। अब इसको सर्व कर लेंगे। ज्यादा ज्यादा डाल नहीं, बस ग्राम मीडियम से, बस बहुत हो। ये आ गया मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर का। यस बस, सिस्टर ने वालदा साहब को सब कर दिया, सब कर दिया। यस भाई, जनेब का, मेरा, वालद साहब का और प्यारी सिस्टर का, है ना जी। इतना प्यारा हमारा हलवा बने। इसमें बता देंगे स्पून, चाय भी डाल होगी है, चाय सर्व करते हैं। आपकी भी पीकी है? यस यस यस। आज शाम की चाय के साथ हलवा और चाय, यखनी, यखनी पी ली है जी। हलवा और चाय है शाम की चाय, हलवा और चाय। यस यस, गाजर का हलवा और चाय। यस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाम की चाय, शाम को था यखनी, हलवा और चाय। बाकी चाहे हम मीठी कर लेंगे वालदा साहब, yes। मेरी और भाई जुनी की, ठीक है। अब सिस्टर जो है ये सब कुछ सर्व करेंगी और बस, ठीक है। चलो अब जान सर्व करो सबको। कितना प्यारा हमारा हलवा बन के, असल हलवाई स्टाइल में रेडी है।